IPL सीजन 12 के पांचवें दिन बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 28 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मैच में कोलकाता की तरफ से 48 रन और 2 विकेट लेने वाले एंड्रे रसल मैन ऑफ द मैच रहे। IPL सीजन 12 के पांचवें दिन बुधवार को IPL का छठा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। टॉस पंजाब ने जीता और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 219 रन का टारगेट दिया। 219 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी और कोलकाता ने मैच 28 रन से जीत लिया। टूर्नामेंट में जहां कोलकाता की ये लगातार दूसरी जीत है, वहीं पंजाब की ये पहली हार है। मैच में कोलकाता की तरफ से 48 रन और 2 विकेट लेने वाले एंड्रे रसल मैन ऑफ द मैच रहे। IPL में गुरुवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट का अपना पहला मैच हारी हुई हैं और दोनों ही टीमों की कोशिश मैच जीतने की होगी। आंकड़ों पर भी मुंबई इंडियंस का पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर काफी भारी है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 7 और बैंगलोर ने 2 मैच जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।